दोस्त, अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है, तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है, तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था, जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है।
अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है, अंजलि का दिल टूट जाता है,
और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था, जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है, तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है, तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था, जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है, तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है।
आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं।
तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है।
बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है,
जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है,
आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है, तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है, तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था, जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है, तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी
16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है।
आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि के बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है, अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है,
जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं लेकिन जल्द ही बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा,
आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद,
फरहान खान है, परजन दस्तूर है, अनुपम खेर है, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है, तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है, तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था, जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है, तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर,
जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेस बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है।
सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है, अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं
और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है,
हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जलाल आदि के बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है, तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है, तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था, जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है, तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है।
एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी एज इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं।
तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है, अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है।
अंजलि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक
टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं, इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है,
एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है, और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है, तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है, तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था, जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है, तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है,
और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी एंड इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है, लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है।
आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कुछ कुछ होता है मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज की गई पारिवारिक एंड रोमांस मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 1998 में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। इन्होंने दोस्तों मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 80% तक फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, साना सईद, फरहान खान, परजन दस्तूर, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, फरीदा जल्लाल आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग लगने वाली है, दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 57 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों राहुल खन्ना अपने कॉलेज की एक टॉमबॉय लड़की अंजलि शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे पता नहीं है कि अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश करती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना कॉलेज में दाखिला लेती है तो राहुल तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट जाता है और वे अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट जाती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और कुछ साल बाद शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन उसे कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये जानते हुए कि वे जीवित नहीं रहेगी, वे अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वे बड़ी होने पर उसे पढ़ सके। टीना की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि रखता है।
जब अंजलि बड़ी हो जाती है तो वे टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था जिसे टीना राहुल की आत्मा मानती है। अंजलि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करती है जैसा कि उसके पत्र में बताया है। बड़ी अंजलि की सगाई अमन से हो चुकी है लेकिन वे अपनी शादी से एक महीने पहले शिमला में डांस वर्कशॉप आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना कैंप में दाखिला लेती है और राहुल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात बड़ी अंजलि से होती है। सालों से एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से घुल मिल जाते हैं लेकिन जल्दी बास्केटबॉल जैसी साझा रुचियों के कारण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बार राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।